बुद्धा का महापरिनिर्वाण का दिवस, जिस दिन वो शरीर त्याग करने वाले थे, महासमाधि में विलीन होने वाले थे। बहुत सुंदर कहानी है ये। कहते हैं ना, अगर शिष्य तैयार है, अगर शिष्य ज्ञान लेने के लिए तैयार है, तो गुरु मृत्यु शैया से भी वापस आते हैं। उस दिवस की ये घटना है, उस अंतिम क्षणों की ये घटना के बारे में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। घटना ऐसी घटित होती है, भगवान बुद्ध सारे उनके जो शिष्य है सबके साथ बैठते हैं और सबको पूछते हैं कि अगर किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो मेरे जाने से पहले अभी भी पूछ लीजिए। पर किसी शिष्य को उनको कुछ नहीं पूछना था, क्योंकि 42 साल तक, 42 years तक बुद्धा ने उनके सारे प्रश्नों का जवाब दिया है। बुद्धा ने ऐसे भी प्रश्नों का जवाब दिया है जो उनके मन में ऐसे ही आते थे, कभी बुद्धा को पूछे नहीं थे, पर फिर भी बुद्धा ने सारे प्रश्नों का जवाब दिया था। अच्छा, कई कई प्रश्नों के लिए बुद्धा ने परिस्थितियां ऐसी बनाई थी जिसके कारण वो प्रश्न के जवाब वो अपने शिष्यों को समझा सके। तो जब बुद्धा का महापरिनिर्वाण लेने का समय आया, तब शिष्य क्या पूछेंगे? तो किसी ने भी, सबकी आंखें आंसू से भरी हुई थी, अत्यंत ही दुख में, अत्यंत ही पीड़ा में, गुरु जब समाधि ले रहे हो, उस पल, उस क्षण की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो सारे शिष्य बहुत रो रहे थे, किसी को कुछ पूछना नहीं था, कुछ भी किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं था। सब हाथ जोड़कर बुद्धा के सामने बैठे थे। तो बुद्धा सबकी विदाई लेते हैं और समाधि में जाते हैं। पहला स्टेप शरीर से मन को छोड़ने का, मन से फिर भावनात्मक मुक्ति का, और भावनात्मक मुक्ति से जस्ट वो जो अस्मिता कहते हैं, जो अपना बीइंग है, जो एग्जिस्टेंस है, उसको छोड़ने का स्टेप लेने ही वाले थे, उसी पल एक आदमी चिल्लाता आया, बहुत जोर से चिल्लाता आया कि मुझे बुद्धा को एक प्रश्न पूछना है, मुझे बुद्धा से बात करनी है। तो तब सारे शिष्य दौड़े वो आदमी के पास कि बिल्कुल आवाज मत करो, अभी बिल्कुल बात नहीं करना है, बुद्धा महासमाधि ले रहे हैं। अब ये सुन के बुद्धा जो महासमाधि में थे वो वापस आए। तब सारे शिष्य वो व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम जिस गांव से आ रहे हो, तुम्हारे गांव में तो बुद्धा 30 बार आ चुके हैं, 30 बार तुम्हारे गांव से बुद्धा गुजरे हैं, तब तुमको कोई प्रश्न पूछने का मन नहीं हुआ था? तब वो व्यक्ति बोलता है कि देखो, बात सही है, बुद्धा मेरे गांव से बहुत बार गुजरे, मैंने बहुत बार सोचा कि बुद्धा से ये पूछूं, बुद्धा से ये बात करूं, पर कभी मैं बच्चों में व्यस्त था, कभी दुकान के व्यवसाय के कामकाज में व्यस्त था, कभी बीवी बीमार रहती थी, कभी बच्चों की शादी में व्यस्त रहता था, कभी मेरा खुद का मन ठीक नहीं रहता था। तो ये सब करते करते बुद्धा जितनी बार आए, उतनी बार मैं कभी उनसे प्रश्न पूछ ही नहीं पाया, पर आज जब मैंने सुना कि बुद्धा महासमाधि ले रहे हैं, तब मुझे लगा कि मैं बुद्धा से पूछ लूं। अब ये बात सुनकर बुद्धा उस व्यक्ति को बुलाते हैं। आप सोचिए, समाधि में जो गुरु जा चुके हैं, बुद्धा ऑलरेडी चले गए थे, वो एक शिष्य की जो उसकी क्वेस्ट है, उसका जो प्रश्न है, उसका जवाब देने के लिए वापस आते हैं। तब बुद्धा उसको बुलाते हैं और उसके प्रश्न पूछते हैं, उसका प्रश्न क्या है वो जानने के लिए करते हैं। तब वो
व्यक्ति बुद्धा को पूछता है कि इतने साल तो मैंने आपको खो दिया, मैंने कभी आपके साथ कोई बात नहीं की, मैं आपका आपका जो शरीर का जो आप जब शरीर में है तब मैं आपका ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाया, पर जब आप आज शरीर छोड़कर जा रहे हैं तब मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे वो एक तरीका ऐसा बता दीजिए कि आप शरीर में नहीं रहे तो भी मैं कैसे आपको पा सकूं। तो बुद्धा ये जो प्रश्न था उसका, बुद्धा कहते हैं, शिष्य भी सारे उनके बैठे थे, बुद्धा कहते हैं कि बहुत अच्छा है, एटलीस्ट बुद्धा तब बताते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे मृत्यु का समाचार भी तुम्हें झकझोर कर ज्ञान के मार्ग पर ले आया, तो ये भी एक बहुत अच्छा निशानी है। तब बुद्धा उसको बताते हैं कि देखो ध्यान में ही मैं तुमको मिलूंगा, सांस अंदर और बाहर, तुम्हारी सांस के साथ ही मैं उपस्थित रहूंगा, ध्यान में ही तुम मुझे पा सकते हो। तब बुद्धा सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे ध्यान में व्यक्ति की मौजूदगी का अनुभव कर सकते हैं। तब वो व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, दंडवत हो जाता है, आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगती है, बुद्ध के पैर में, बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और बहुत ही कृतज्ञता से बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण से वापस आए और ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान उनके सारे शिष्यों के लिए आज भी उतना ही सत्य है कि ध्यान में ही हम अपने गुरु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और ज्ञान ही हमारे सांस के साथ ही हमारे गुरु की मौजूदगी है। कहते हैं ना, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।